डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में पढ़ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में प्रकाशिक वाला जो चैप्टर है उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, प्रकाश वाले खंड को। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाशिकी को हम लोग दो खंड में बांटे हुए हैं। एक का नाम है किरण प्रकाशिकी और दूसरे का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो हम लोग बात करते हैं किरण प्रकाशिकी में। तो किरण प्रकाशिकी में हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को पढ़ लिया पूरा कंप्लीटली। अब आइए तीसरे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाशीय यंत्र के बारे में। आखिर प्रकाशीय यंत्र क्या है, उसका यूज हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि आखिर दर्शन कोण किसको कहते हैं, क्योंकि इस दर्शन कोण का यूज है। तो दर्शन कोण, ये टॉपिक्स बनाएंगे दर्शन कोण, जिसको इंग्लिश में विजुअल एंगल कहते हैं, VISUAL, विजुअल एंगल। तो आखिर ये दर्शन कोण क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दर्शन कोण एरो बनाकर और दर्शन कोण टॉपिक्स बनाकर उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट एरो में देकर लिखेंगे लिखा जाए आंख को किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहला बात, दर्शन कोण क्या होता है। जब हमारा नेत्र किसी भी वस्तु को देख रहा होता है, तो जिस वस्तु को हमारा नेत्र देखता है उसके बीच में जो कोण बनता है, यानी कि हमारी आंखों पर जो कोण बनता है, उसे कहते हैं दर्शन कोण। और दर्शन कोण पर ही हमारा आंख निर्भर करता है कि किसी वस्तु को हम छोटा देख पा रहे हैं या फिर किसी वस्तु को बड़ा देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जब कोई जहाज जब नीचे उतरता है तो हमें बड़ा दिखता है, लेकिन वही जहाज जब ऊपर उड़ता है वो छोटा दिखाई देता है। इसके पीछे भी वही वजह है, दर्शन कोण, क्योंकि अब जैसे ही नजदीक आते हैं हमारा दर्शन कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही दूर जाता है दर्शन कोण का मान बिल्कुल कम होते जाता है, सिवाय इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनते जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को आप बड़ा देख पा रहे हैं या छोटा देख पा रहे हैं वो किस पर निर्भर करता है, तो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। चलिए दर्शन कोण के थर्ड एरो में लिखा जाए, थर्ड एरो देकर लिखेंगे थर्ड एरो में किसी वस्तु को आंख के निकट लाने पर उसके द्वारा आंख पर अंतरित कोण उसके द्वारा आंख पर अंतरित कोण
अंतरित कोण बढ़ता जाता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब का विस्तार रेटिना पर बना प्रतिबिंब का विस्तार भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्त, आपको हम कुछ दिखाते यहां से फिगर बनाकर कि आखिर क्या वजह है कि जब हम किसी वस्तु को दूर देखते हैं तो वो हमें छोटा नजर दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, सिवाय कि अगर हम लोग नजदीक की वस्तु को देखते हैं वो हमें बड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे के लॉजिक्स को फिगर के साथ समझेंगे हम लोग। तो अगर आप देख लो, हम लोग मानव नेत्र बनाते हैं तो मानव नेत्र का फिगर ऐसे ही होता है ना। आप मानव नेत्र का फिगर बनाए होंगे, तो ये हम लोगों का मानव नेत्र है और इस मानव नेत्र के इस भाग पीछे वाले भाग को रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशन हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा आंख है यानी कि मानव नेत्र है, मानव का नेत्र है। अब दोस्त हो क्या रहा है, जैसे कि लेंस का एक मुख्य अक्ष होता है ना, लेंस का मुख्य अक्ष, यहां पर भी हमारे नेत्र का ये अक्ष है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक वस्तु जो है यहां से बहुत दूर रखा हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दूर पर रखी वस्तु। ठीक है, तो जैसे ही दूर रखी वस्तु है, इसका अगर हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे तो ये ऐसा कुछ हमारा प्रतिबिंब बनता है और ये कहलाता है एंगल, जो यहां थीटा बन रहा है ना, यही कहलाता है दर्शन कोण। ठीक है, तो जो दर्शन कोण हमें बन रहा है वो बहुत दूर होने की वजह, देख पा रहे होंगे, ये बहुत दूर होने की वजह से दोनों का हाइट सेम है। मान लो इसका हाइट एच है, ठीक है, और इसका हाइट एच है, और जब ये बहुत दूर है तो देख पा रहे हैं एंगल कम बन रहा है, इसलिए जब हम लोगों का प्रतिबिंब का साइज है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, और यही प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो हमको ये छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा केस में इसको बनाते हैं दोस्त, एक अक्ष बना दिया इसी एच साइज का, यानी कि वही वस्तु, आप जहाज देखते हैं तो रियलिटी में जो जहाज है उसका आकार सच में छोटा हो जाता है जब ऊपर जाता है, तो नहीं, उसका आकार छोटा नहीं होता, उसका आकार वही का वही रहता है, चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, उसका आकार वही होने वाला है, कभी बढ़ेगा घटेगा ना, रबड़ थोड़े ना है कि जैसे यहां जमीन पर उतरा तो रबड़ जैसा खिंचा गया और ऊपर गया तो रबड़ जैसा दब गया, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि उसका साइज सेम होने वाला होता है, उसका साइज सेम होता है जहाज का, लेकिन हमारे आंख से बहुत दूर अधिक चला जाता है, इसलिए वो जहाज जो है एक चील के जैसा, एक कौवा के जैसा दिखाई देता है। लेकिन उसका मेन वजह क्या है, क्योंकि बहुत अधिक दूरी है और बहुत दूरी अधिक होने के कारण हमारे नेत्र से उसका दर्शन कोण कम हो जाता है और उसका प्रतिबिंब छोटा नजर आने लगता है। दोस्त अब हम आपको इसी हाइट का वस्तु को आंख के नजदीक लाकर दिखाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वही वस्तु है, वही एच वस्तु है, लेकिन इस पर क्या है, ये नजदीक पर रखी, निकट पर रखी वस्तु है, यानी निकट की दूरी पर, निकट पर रखी वस्तु, ये निकट रखा वस्तु है। तो अब यहां से अगर आप एरो निकालिएगा तो देख पा रहे होंगे इसको कट कर रहा है, तो यहां से थीटा का वैल्यू यानी कि दर्शन कोण का वैल्यू देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा बढ़ गया, तो यही दर्शन कोण का वैल्यू यानी कि ये जो प्रतिबिंब है ये हम लोगों को बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि अगर यहां कट रहा था
जितना नजदीक लाएंगे ना वो और उसका हाइट प्रतिबिंब का बढ़ते रहेगा। देख रहे हैं अब की बार यहां से लेकर यहां तक के प्रतिबिंब है, तो ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा क्यों, क्योंकि वस्तु जो है नजदीक है इसलिए दर्शन कोण का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो याद रखिएगा ये निकट दूर पर रखी वस्तु उनको छोटा नजर दिखाई देता है और निकट पर रखी वस्तु बड़ा दिखाई देता है, वजह यही है दर्शन कोण। ठीक है, तो आप दोनों फिगर इसका ड्रॉ कर लीजिए। दोनों फिगर ड्रॉ करने के बाद दोस्त उसके नीचे फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। हालांकि इसको हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि एक स्वस्थ या स्पष्ट नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना चाहिए, न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अधिकतम दूरी की तो हम लोगों का अनंत होता है, तो याद रखिएगा अधिकतम दूरी अनंत लेकिन न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो आएंगे, फिर से नेक्स्ट एरो लिखा जाए, एरो देकर यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो वस्तु अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, परंतु कृत्रिम विधि से दर्शन कोण को बढ़ाकर किसी वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है, पूर्ण विराम, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी कौमा दूरदर्शी जैसे प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग होता है, किया जाता है। जी हाँ, हम लोग देखिए एक्चुअली चैप्टर का नाम क्या है भाई, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र का मतलब मशीन। ठीक है, यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मशीन और उसको हिंदी में बोलते हैं यंत्र, नाम ही है प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक यंत्र का काम क्या है, तो प्रकाशिक यंत्र का काम है किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई देना। अगर आप बताइए कि हमारा आंख का स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे हमको वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला नजर दिखाई देगा। इसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक लीजिए और बुक में जो छपा अक्षर है बिल्कुल आंख के नजदीक ले जाकर पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाएंगे, धुंधला नजर आएगा। लेकिन दोस्तों उसको पढ़ना है तो आप यंत्र का इस्तेमाल करके 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को भी आप अच्छा से देख सकते हैं। जैसा कि आप 10th में कैसे पढ़े थे कि 25 सेंटीमीटर से अंदर की दूरी यानी कि कम की दूरी को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में क्लास 12th में प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करके हम लोग उससे कम का देख सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, और भी प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सूक्ष्मदर्शी में क्या लगा होता है, सूक्ष्मदर्शी में ऐसा क्या होता है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को अच्छा से आपको दिखा देता है, ऐसा क्या लगा होता है उसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको हमें बोला जाए या हमें बताया जाए तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि हम लोगों का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन उस 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को तो हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक यूज करके
प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करके हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और भी प्रकाशिक यंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दर्शन कोण में इतनी सारी पॉइंट्स को हम लोग देखे। चलिए उसके आगे फिर से नया टॉपिक्स लेंगे, लिखा जाए टॉपिक्स आवर्धन क्षमता तथा कोणीय आवर्धन। आवर्धन क्षमता तथा कोणीय आवर्धन। आवर्धन क्षमता तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन अब कोणीय आवर्धन क्या होता है जरा इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है और कोणीय आवर्धन क्या होता है। तो दोस्तों, कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।